प्रज्वल दलवी, प्रतीक पाटिल, टार्जन ऑफ टेमोली। पहली गेंद स्वीप किया है, झाड़ू स्ट्रोक है, गेंद डीप में जा रही है, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, थोड़ा फंबलिंग किया वहां पर, दो से खाता खुला है। उमेश दलवी का दो से खाता खुलता हुआ, गावदेवी ढोंडा वड़ोली का। संदीप भाऊ हमारे बीच है, देखिए उस जमाने में इतने बड़े शो किए उन्होंने कि बहुत कम शो उस टाइम हुआ करते थे। उस टाइम अरुण पाटिल के शो हुआ करते थे, उस टाइम आर के ट्रॉफी हुआ करती थी, और सिर्फ लेजेंड ऑफ ब्योंडी विलास आर के शो। इस मरतबा निकल के मारा है, बहुत दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद एक्स्ट्रा कवर में, चार रन, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। अपने तेवर दिखा दिए ऑनलाइन। ओ फॉलिंग स्वीप, लेकिन अपील होती भी वहां पर, सोकर खेलने की कोशिश, फॉलिंग स्वीप। अंपायर अजीम अमदुल्ले ने कमाल की अंपायरिंग की है, जतिन सर, सुदेश अपाव ने अच्छा निर्णय अंपायर अजीम हमदुल्ले का। चार चार ओवर का ये फाइनल मुकाबला है। प्रतीक पाटिल ड्राइव किया है मिड ऑन पे सीधा अल्ताफ शेख के पास, रन लेना चाहते थे, मना किया। कैप्टन अल्ताफ शेख खतरों के खिलाड़ी, महा मुकाबला आप देख रहे हैं, खिताबी जंग, बैटल ऑफ चैंपियन, लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी 2024 का। अच्छा स्ट्रोक है, गैप पे गेंद ट्रैवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है, कमाल की फील्डिंग, लेकिन कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। दो रन पूरे किए हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त उमेश दलवी। इलेक्ट्रीफाई ग्रैंड फिनाले का माहौल आप देख रहे हैं। स्कोर है 8 रन बिना किसी विकेट के, 8 विदाउट लॉस। प्रतीक पाटिल रिवर्स, और वो भी सीधा फील्डर के पास। क्या क्रिकेट हो रहा है, जान की बाजी लगाई जा रही है। एक ओवर की समाप्ति, महा मुकाबले में टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई गावदेवी ढोंडा वड़ोली ने 9 रन बनाए। सुनील देखिए, चार दो तीन तरफ वहां पे आग जलाई गई है, फिर से मैं कहूंगा मैदान में धुआं आ रहा है, शेकोटी नको पेटवा रहे बाबा। दाई और ये सामने ही शेकोटी जल रही है, बुझा दो यार। सोच दे दिल से उठता है या सोच दे जहां से उठता है, ये धुआं कहां कहां से उठता है। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 9, आप देख रहे हैं महा मुकाबला। आरके बिल्डर के ओनर इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, डैशिंग डायनामिक 1/3 स्टार के 1 स्टार। एसीओ ढोंडा वड़ोली के अनंत भोईर भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। सुधीर सेठ मात्रे का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, एक अच्छी टीम उन्होंने उतारी है। आरके बिल्डर के पास जाइए और अपना मुस्तकबिल सेफ बनाइए, चाहे वो आपके घर का मामला हो, खूबसूरत घर का, या फिर आपके वेयर हाउस का। गेंदबाजी में वैदान पाटिल को बुलाया गया है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, सामना करेंगे बैटर उमेश दलवी। ये कमाल के ऑलराउंडर है उमेश, ऑफिस नाम के बहुत बार पीछा किया, वाइड डबल फिगर में जाता हुआ स्कोर ढोंडा वड़ोली का, 10 रन
बिना किसी विकेट के। प्रेम माली ने काफी कुछ किया इस स्पर्धा के लिए और सबसे कीमती शय भी उन्हीं के हाथों में। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, पूरी तरह से उमेश दलवी को खोल के रख दिया था। खेले या ना खेले, ये देखिए बिल्कुल स्विंग होकर बाहर गई। लेंथ बहुत अच्छी थी, लाइन भी बहुत परफेक्ट थी। वेदांत पाटिल सामने की ओर से आते हुए, इस मरतबा निकाल दिया है लेकिन बल्ले पे नहीं आई है, लेग स्लिप में गेंद गई है। लॉन्ग वे शफल करके इम्प्रोवाइज हुक करना चाहते थे। एक रन से डोंडा वडोली का स्कोर 11 पे पहुंचा है। अभी तक टेम्बोली ने 4-3 फाइनल खेले, 1 में हारी, 2 में जीती है। और बहुत अच्छा बयान दिया था उमेश दलवी ने, प्रज्वल ने, कि पहली मर्तबा वो टकरा रहे हैं, टक्कर भारी है। स्विंग एंड मिस, अंपायर का लेग बाई का इशारा। कमाल की बॉलिंग की आज वेदांत पाटिल ने। स्कोर है इस वक्त 12 रन। देखिए उमेश दलवी को पता है कि सामने की टीम में 8 बैट्समैन ऐसे हैं जो किसी भी नंबर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। वेदांत पाटिल, बढ़िया गेंद लेकिन ज्यादा कटी वाइट, हालांकि दूर से बल्ला चला दिया था वहां पे उमेश दलवी ने। एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 13। देखिए अल्ताफ शेख को देखिए, वो अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ा रहे हैं। महा मुकाबला चलता हुआ, आरके बिल्डर टेम्बोली बनाम गावदेवी स्पोर्ट ढूंढा वरोली। जड़ में गेंद टर्न कर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ, एक रन बना, बहुत बढ़िया थ्रो पहुंचा है और प्रतीक पाटिल कलेक्ट नहीं कर पाए, वरना जाना होता उमेश दलवी को। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं है। दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है। मेरा अपना मानना है 41 ऑफ दी गुड टोटल, क्योंकि पिछले 7 रातों से हमने देखा है किस तरह के टोटल देर रात घातक रहे हैं। रिवर्स खेला है, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसे कहते हैं घी सी। उमेश दलवी ने वेदांत पाटिल कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, गेंद पीछे जा रही है, 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे, 4 रन। के रमाकांत केनी शाखा प्रमुख की तरफ से चौकों और छक्कों की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए। 2 ओवर की समाप्ति, अगले 2 ओवर में क्या लक्ष्य रहेगा, ये आइए सुनते हैं।
वॉइस ऑफ मुड़बार सुनील शेलके से। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भाबे सर, याजसाठी केला होता अट्ठास, शेवटचा दिस गोड वावा, आता निश्चिंतीने पावलो विसावा, खुंटलिया धावा तृष्णेची या, कबतुक पाहे झाली या वेचाचे, नाम मंगळाचे तेने गुणे, तुका म्हणे मुक्ती पर्णिली नोबरी, आता दिवसचारी खेळमेळी, जो स्वप्न पाहिलं होतं इथे सन्माननीय गणेश दादा केणी अर्थात जिज्ञादा, त्याचबरोबर साहिल शेटके यांनी, ते स्वप्न गेली अनेक वर्ष ते सत्यात उतरवत आहेत, आणि भिवंडी तालुक्यातील टेनिस क्रिकेटला उंचीवर नेणारी स्पर्धा त्यांच्या वतीने निश्चितच इथे आयोजित केली जात आहे। महाराष्ट्रभर ज्या स्पर्धेची चर्चा आपण बघतो ती स्पर्धा निश्चितच आपण संपन्न होत असताना बघत आहोत। या स्पर्धेचा जर इतिहास गेली पाच वर्षाचा आपण बघितला तर मला असं वाटतं 2020 नाईट फॉर्मॅटला सुरुवात झाली होती, त्यावेळेस 4 दिवसांचं नाईट फॉर्मॅट आपण पाहिलं होतं। 2021 आपण बघितलं नाईट फॉर्मॅट 5 दिवसाचं झालं, 2022 आपण बघितलं नाईट फॉर्मॅट हे 6 दिवसांचं झालं, 2023 बघितलं नाईट फॉर्मॅट 7 दिवसांचं झालं, आणि 2024 इथे नाईट फॉर्मॅट हे 8 दिवसांचा आपण बघत आहोत। त्याचमुळे ही स्पर्धा प्रत्येक वर्षी काही ना काहीतरी नवीन देत आलेली आहे। या स्पर्धेने फार मोठी पसंती मिळाली आहे, नामांकित आणि लोकप्रिय अशी स्पर्धा म्हणजे स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषक 2024। यावेळेस हा चेंडू फुलटो असे स्लॉगचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो, फलंदाजी करणारा संघ मागे वळून बघत नाही। या स्पर्धेमध्ये एक वेगळी छाप गावदेवी धोंडावडवलीची आपण पाहिलेली आहे। इथे फटका दर्जेदार, ए वन क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार। बक्षीस अनाउन्स झालेलं आहे की लागोपाठचे 3 षटकार, लागोपाठचे 3 चौकार, याच्यासाठी माणकोलीचे शाखा प्रमुख आणि या स्पर्धेचे सह आयोजक रमाकांतजी केणी साहेब यांच्या वतीने 2000 रुपयांचं कॅश प्राईज इकडे अनाऊन्स झालेलं आहे। प्रज्वळ दळवी मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय, उमेश दळवीने अत्यंत चांगली सुरुवात मिळवून दिली होती। उमेश दळवीच्या टाईमलाईनमध्ये आपण 3 चौकार पाहिले आणि प्रज्वळ दळवी याने एक षटकार इथे दाखवलेला आपण पाहिलेला आहे। एकूण धावा धावपळ करून जर आतापर्यंत पाहिल्या तर त्या आहेत 29, ज्या बहुचर्चित 40 धावांचा आपण इथे विचार करत आहोत। ज्या पद्धतीने या धावफलकाचा वारू स्वच्छंदपणे सुटलेला आहे त्यामुळे मला असं वाटतं 40 पेक्षा अधिक धावा इथे या धावपळकर जोडल्या जाऊ शकतात। धोंडावडवली संघाचं मन भरून कौतुक करावं लागेल कारण इथे अनेक मोठे मोठे मातब्बर संघ या स्पर्धेमध्ये आपण बघितले होते, ज्या संघांना या स्पर्धेतील आव्हान त्यांच्या पहिल्या फेरीमध्येच संपुष्टात आलेलं पाहावं लागलं होतं, याची देही याची डोळा ही स्पर्धा खेळत असताना अनेक खडतळ आव्हानं निश्चितच धोंडावडवलीला आली आणि आम्ही ज्यावेळेस नाणेफेक कव्हर केली त्याही वेळेस त्या गोष्टीची चर्चा आम्ही केली होती। परंतु हा युवा संघ याने कधी मागे वळून पाहिलं नाही, 1 ते 2 अनुभवी खेळाडू सोडले तर संपूर्ण संघ अत्यंत टॅलेंटेड आणि आपण बघितलं युथनी भरलेला आहे। आणि मी नेहमी म्हणत असतो तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स असेल, अनुभव असेल तर प्रतिकूल परिस्थितीमधून तो तुम्हाला अनुकूलतेकडे घेऊन असतो, आणि जर तुमच्याकडे युथ असेल तर ते युथ तुम्हाला जोश देत असतं, ते युथ तुम्हाला उत्साह देत असतं, आणि तोच उत्साह धोंडावडवलीमध्ये प्रेरित झालेला आपण पाहिलेला आहे। आदित्य भोईरचा क्रमांक 3 षटक, धावपलक पुढे गेलेले, एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर ते आहे 30 अर्थात 30 गावदेवी धोंडावडवली आणि त्यांच्या विरोधात आर के बिडर्स टेंभिवली। इथे स्लॉग करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, कनेक्शन अत्यंत चांगलं आहे, इथे बॅट आणि बॉलचं चांगलं कनेक्शन पूर्ण केलेलं आहे, 4 धावांचं इंटेन्शन, आणखी एक दर्जेदार चौकार। चौकार षटकार हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज अनाऊन्स झालेलं आहे। आणि उमेश दळवी या फलंदाजाने आपण बघितलं की चौकारांची हॅट्रिक इकडे पूर्ण केलेली आहे, त्यामुळे उमेश या बक्षिसास पात्र ठरल्या। जोरदार टाळे आपण निश्चितच देऊया। लागोपाठचे 3 चेंडू, लागोपाठचे 3 चौकार, एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर ते आहे 34 अर्थात 34, आणि या षटकातील आणखी 3 चेंडूंचा खेळ येणे शेष आहे। षटकाला सुरुवात झाली होती, षटकाला सुरुवात झाली होती षटकाराने, यावेळेस इथे रिव्हर्सचा पवित्रा घेतला क्षेत्ररक्षक, त्यासाठी तिकडे उपस्थित आहे। जाळं विणलं गेलं होतं आणि त्या जाळ्यामध्ये जवळ जवळ अडकवलं होतं या फलंदाजाला, असं म्हणता येईल काळ आळा होता परंतु वेळ आली नव्हती, आणि इथे फलंदाज वाचलेले आहेत।
क्षेत्ररक्षक उपस्थित या परिस्थितीत मैदानाच्या आत मध्ये इतका साधा सोपा जेल क्षेत्ररक्षक सोडतोय त्याचमुळे एक तुमचं युनिट कितीही प्रसिद्ध झालेलं असेल तुमचं युनिट कितीही मातब्बर असेल तरी मैदानाच्या आत मध्ये एखाद्या स्पर्धेचा फायनल सामना खेळत असतानाचं जे प्रेशर आहे ते प्रेशर वेगळं आहे इतर फेरी वेगळी आणि महा अंतिम फेरी वेगळी जमीन आसमानचं अंतर दोन्ही ठिकाणच्या प्रेशर मध्ये आहे समोर ठेवलेला चेंडू मागच्या बाजूने चेंडू जातोय विरोधाभास आपल्याला पाहायला मिळतो आतली कडा लागली इथे यावेळेस क्षेत्ररक्षकाने चेंडू अडून फेकी झालेली बाईच्या रूपाने खरं तर ही धाव पूर्ण झालेली आपण पाहिली लगेच स्पॉन्टेनियस रिप्लाय आम्हाला अझीम अमदुले सरांचा आलेला आहे एकूण धावपलकाकडे जर नजर टाकली तर निश्चितच 36 धावा धावपलकर आहेत संधी इथे मिळालेली आहे स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृतीचषकाच्या महाअंतिम सामना खेळण्याची त्या संधीला इथे योग्य रीतीने वापरावं लागेल या दोन्ही संघांना क्रिकेटमध्ये असं म्हणतात आदित्य भोईर वळले यावर चर्चा करू समोर ठेवलेला चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून अत्यंत चांगला फटका क्रिकेट मधील मादक सौंदर्य दाखवणारा फटका बेछूट बेलगाम आणि दिलखेज फटका चौकार आपण वर्णन केलं तर फटका आकर्षक होता अद्वितीय होता आणि अप्रतिम होता हा फटका आपण बघतो कव्हरच्या डोक्यावरून प्लेस करण्यामध्ये इथे यश मिळालं होतं यावेळेस या फलंदाजाला शेअर मार्केट इथे वधारलेलं आहे विनोद जिमाळी यांच्या वतीने आता जिकडे 2000 रुपयाचं कॅश प्राईज अनाऊन्स केलं होतं ते झालेले 3000 रुपये आमचे लाडके प्रेक्षक तुम्ही बघता बघा थंडी इथे वाढलेली आहे या अगोदर मी उल्लेख केला होता या स्पर्धेला सुरुवात अत्यंत कडाक्याच्या थंडीने झाली होती 1 तारखेला फार थंडी असलेली आपण अनुभवली होती आणि स्पर्धा संपत असताना पुन्हा एकदा थंडी इकडे आलेली आहे कडाक्याची थंडी आहे परंतु प्रेक्षकांना या थंडीचं काहीही आणि कोणतंही घेणं देणं नाही कोणतंही या थंडीचं आव्हान नाही क्रिकेट हा असा खेळ आहे ज्यामध्ये जर तुम्ही जोडले गेले तर तुमच्या समोर आलेल्या अनंत अडचणी तुम्ही बाजूला सारत असता मराठीमध्ये यासाठी सुद्धा एक म्हण आहे ज्याचं वेड त्याला गोड आणि म्हणून क्रिकेट रसिक या स्पर्धेच्या प्रतिसादासाठी इथे आलेले आहेत या स्पर्धेला क्रिकेट रसिकांनी उचलून धरलेलं आहे स्पर्धेचं दैदिप्यमान आणि दिमागदार अशा पद्धतीचं आयोजन इथे झालेलं आपण बघितलेलं आहे अंतिम चरणामध्ये स्पर्धा महाअंतिम सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू दोन्ही संघ अत्यंत चांगले मातब्बर आहेत आणि विशेषत्वाने या स्पर्धेमध्ये कल्याण डोंबिवली पालघर ठाणे पनवेल इत्यादी परिसरातून जरूर संघ आले होते परंतु महाअंतिम सामना कोण खेळत आहेत तर भिवंडीतील 2 संघ महाअंतिम सामना खेळत आहेत त्यामुळे भिवंडीच्या क्रिकेटसाठी एकदा जोरदार टाळ्या आपण देऊया स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषकासाठी एकदा जोरदार टाळ्या आपण देऊया क्रमांक 4 षटक मैदानाच्या आतमध्ये फेकण्यासाठी नवीन गोलंदाज इथे वापरला जाईल पाहिजे कोणत्या गोलंदाजाकडे संघ कर्णधार वळत आहेत मोनिश पाटील येत आहेत अत्यंत धोकादायक फलंदाज मोनिश पाटील परंतु इथे करायची गोलंदाजी पुढे सरसवले असताना लॉफ्टेड ऑनरचा फटका बघतोय आपण क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे इथेही जेल सुटलेला आहे हाच दबाव आहे महा अंतिम सामन्याचा हाच दबाव आहे मेगा फिनालेचा या अगोदर अनेक डायव्हिंग एपर्ट आपण टेंबोलीच्या क्षेत्ररक्षकांच्या वतीने पाहिलेले आहेत हाफ चान्सेस फुल चान्सेस मध्ये कन्वर्ट झालेले पाहिले आहेत समर्पित वृत्तीने झालेलं क्षेत्ररक्षण पाहिलेलं आहे परंतु इथे साधे सोपे जेल सुद्धा जमिनीला दान केले जात आहेत त्याचबरोबर सोडले जात आहेत मोनिश पाटीलचं हे षटक 2 धावा इकडे आलेले आहेत धावपलक पुढे गेले एकूण धावा आतापर्यंत आपण पाहिला तर ते आहेत 4040 उर्वरित जितक्या धावा येतील त्या बोनस असतील यावेळेस लॉकचा फटका उज्वेष्टेच्या बाहेर कमिट झाले होते त्यानंतर वाट बघत होते आखूड टप्प्याच्या चेंडूची फुलरलेनचा चेंडू आला इथे काय घडेल एका फलंदाजाला बाद व्हावंच लागेल आणि तो फलंदाज कोणता तर यावेळेस बाद होणारा फलंदाज आपण बघतो उमेश दळवी
असते. यावेळेस उमेश दळवी जे आहेत या अगोदर बाद झाले होते, उमेशने चौकारांची हॅट्रिक तिकडे दाखवली होती आणि उमेशचे सासरे बुवा दिलीपजी माई साहेब यांच्या वतीने 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आलेलं आहे. हे क्रिकेट आहे बघा, जावई मैदानाच्या आतमध्ये खेळत होते, अत्यंत चांगला खेळ आणि सासरे बुवांच्या वतीने 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज, तुमचं स्वागत. शेवटचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये मोनिश पाटीलच्या वतीने इथे फेकलं जात आहे. संधीचा विचार आहे अगोदर आपण करत होतो, संधी मिळत नसेल तर संधी निर्माण करा आणि निर्माण झालेल्या संधीचं सोनं करा. जी संधी या स्पर्धेच्या आयोजनाची निर्माण झाली होती तिला आपलंस केलं इथे गणेश दादा केणी अर्थात जिग्या दादा यांनी, त्याचबरोबर साहिल शेट केणी यांनी आणि महाराष्ट्रामध्ये नामवंत ज्या मोठ्या स्पर्धा आहेत त्या मोठ्या स्पर्धांच्या यादीमध्ये स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषकाला त्याने नेऊन ठेवलेला आहे. या वर्षी प्रेक्षकांचा राहिलेला उदंड प्रतिसाद या सगळ्या गोष्टीची पोच पावते. असं म्हणतात की आकाशामध्ये किती तारे आहेत याला अत्यंत महत्व आहे, त्यामुळे आभाळ शोभून दिसतं. एखादी स्पर्धा साजरी होत असताना मुख्य व्यासपीठावर किती मान्यवर आहेत यावरून स्पर्धेचं मूल्यमापन होत असतं. एखादी शाळा ज्या शाळेमध्ये किती विद्यार्थी आहेत यावरून त्या स्पर्धेचं मूल्यमापन होत असतं. आणि एखादी क्रिकेटची स्पर्धा जर आपण पाहिली तर त्या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षक किती संख्येने आलेले आहेत यावरून क्रिकेटच्या स्पर्धेचं मूल्यमापन होत असतं. आणि या चारही मापदंडावर वरचढ ठरलेली स्पर्धा आपण बघतोय स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषक. चौथं षटक मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. मोनिश पाटील यावेळेस चौथं षटक घेऊन आलेले आहेत. यावेळेस धावफलकाकडे आपली नजर गेली तर एकूण धावा आतापर्यंत झालेले आहेत 43 अर्थात 43. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असलेले आपण बघू शकू. प्रथमेश थाळके आलेले आहेत क्रमांक 4 साठी मैदानाच्या आतमध्ये उपस्थित आहेत. यावेळेस प्रज्वळ दळवी की या स्वतः संघाचे संघनायक आहेत. बघा, संघनायक फक्त नाणेफेक उडवण्यापुरता मर्यादित नसावा, संघनायकाने गरजेच्या वेळी संघाची मदत केली पाहिजे, संघनायकाने प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये योग्य निर्णय घेतले पाहिजेत, संघनायकाने उदाहरण सेट केलं पाहिजे, एक्झाम्पल संघनायकाला सेट करता आलं पाहिजे. प्रज्वळने आतापर्यंत चांगली खेळी केलेली आहे. यावेळेस इथे स्लॉगचा प्रयत्न केला, उजव्या इष्टीच्या फार बाहेर कमिट झाले होते. गोलंदाजाने फलंदाजाचा फुटवर्क फार लवकर चेक केला आणि अगदी बरोबर त्याच्या बॅट आणि पायांमधून जाणारा चेंडू फुलर लेनचा इथे खरं तर त्याने समोर ठेवलेला आहे. बघा, तुम्ही सिद्ध झाला की तुम्ही प्रसिद्ध होत असतात आणि प्रसिद्धी ही अशी गोष्ट आहे ती प्रत्येकाला हवी अवशी वाटते. स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषक जिंकल्यानंतर तुम्ही इतके प्रसिद्ध होणार आहात की पुन्हा एकदा तुमचं नाव घेतलं की त्याबरोबर स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषक लागलं जाईल आणि त्याची 23 किलोची क्रिस्टल ट्रॉफी ही तुम्हाला त्या स्पर्धेची पुन्हा आठवण करून देईल. उजव्या इष्टीच्या बाहेरचा पुन्हा एकदा फुलर यांचा चेंडू, कोणताही ठोस प्रत्युत्तर इकडे या फलंदाजाकडे नव्हतं. यावेळेस काय झालेलं आहे, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला, इथे हलकीशी अपील रेत झालेली आहे आणि क्रिकेटमध्ये अलीकडे ह्या गोष्टी होतात त्या गांभीर्याने घेतल्या जातात. तिसरे पंच इकडे पाचारित केलेले आहेत. बघा, ऑब्स्ट्रॅक्टिंग द फील्ड नावाचा एक महत्वाचा नियम क्रिकेटमध्ये आहे आणि त्याद्वारे इथे तिसऱ्या पंथांची मागणी केली गेलेली आहे. टीव्ही अंपायर इकडे पाचारित केले गेलेले आहेत. अनेक मोठ्या मोठ्या स्पर्धा मी पाहिल्या आहेत, त्या स्पर्धेमध्ये ऑब्स्ट्रॅक्टिंग द फील्ड च्या नियमाला अनुसरून काही फलंदाजाला बाद देण्यात आलेला आहे. मुद्दामहून तुम्ही जर त्या चेंडूच्या मार्गाच्या मध्ये आले असाल तर पंच ते हेरतात आणि तुम्हाला बाद देऊ शकतात. इथे फलंदाज सेफ आहेत, त्यामुळे धावा मैदानाच्या आतमध्ये किती बनल्या हे महत्वाचं आहे. फक्त आणि फक्त एक धाव या धावपलकावर जोडण्यामध्ये यश मिळालं होतं यावेळेस फलंदाजांना. 44 धावा धावपलकावर जोडल्या गेलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतील. शेवटचा चेंडू यानंतर फेकण्यासाठी गोलंदाज तयार असेल. क्षेत्ररक्षक, आपण वेळेचा अपव्यय करू नका. अत्यंत चांगलं क्रिकेट, गुणात्मक क्रिकेट या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषक खेळण्यासाठी प्रत्येक जण आतुर असतो आणि मी या अगोदर म्हटलं होतं की ज्या वेळेस या स्पर्धेची अनाऊन्समेंट होते आणि त्यानंतर जवळजवळ 10 ते 15 दिवसांमध्ये या स्पर्धेच्या एंट्रीज होत असतात. या अगोदर कारराम केडी सर म्हणाले की एक गाव गटामधून 40+ 24 संघांना यावेळेस संधी देण्यात आलेली आहे. पुढच्या वेळेस तो आकडा सुद्धा वाढलेला तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि म्हणून गावामध्ये एकता कशी राहील याकडे निश्चितच या स्पर्धेच्या आयोजकांनी अर्थात नवीन 40+ क्रिकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष गणेशदादा केणी अर्थात जिग्यादादांनी पाहिलेला आहे आणि हा फार मोठा संदेश निश्चितच या स्पर्धेच्या वतीने त्यांनी दिलेला आहे. आणि एकतेमध्येच खरं तर आपली सफलता आहे, एकीचे बळ, युनिटी इज दी स्ट्रेंथ असं म्हटलं जातं. शेवटचा चेंडू यानंतर इथे फेकण्यासाठी गोलंदाज मोनिश पाटील तयार. उजव्या इष्टीच्या बाहेरचा चेंडू, यावेळेस कवलरावचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. डीप मध्ये चेंडू अडवला, फेकी झाली, 2 धावा इथे मिळालेल्या आपण पाहू शकाल. फलंदाजी जर आपण पाहिली तर प्रज्वळ दळवी याची चांगली राहिलेली आहे. उमेश दळवीने आपण पाहिला 29 धावा जोडल्या आणि या सगळ्यांची सरमिसळ करत असताना धावपलकर धावा जोडण्यात आलेल्या आहेत, त्या म्हणजे 47 आणि 47 धावा 4 षटकांमध्ये बनवावे लागतील सामना जिंकण्यासाठी आर के बिल्डर्स टेम्बिवली या संघाला. आणि यानंतर आपण बघणार आहोत जर या 47 धावा बनल्या
तर टेंबिवली संघ असेल स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषकाच्या या पर्वाचा महा अंतिम विजेता संघ आणि या धावादर डिपेंड झाल्या तर गावदेवी धोंडा वडवली ठरेल स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषकातील या पर्वाचे अंतिम विजेते। भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खातरी तो वरी देई आम्हाला काजब्याचे जागणे माणसाने माणसाशी माणसा समभागणे हा शुभ संदेश दुसऱ्या सत्रामध्ये यावेळेस इथे समालोचन कक्षामध्ये बदल केला जाईल। या ऐकूया पुन्हा एकदा व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भाबे सरांना। धन्यवाद धन्यवाद सुनील शिलके। सुनील शिलके ने लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी में अपने आवाज से 8 दिन में वाकई में जबरदस्त कमेंट्री की और मैं चाहता हूं कि सुनील शिलके के लिए उनके सत्कार से पहले ताली बजाई जाए। और एक बात फिर से मैं कहूंगा, सभी टीमें हमारे पास आई, आपने काफ़ी सहयोग किया, आपने अच्छा क्रिकेट खेला, अच्छी डिसिप्लिन दिखाई, आपने पर्दे के पीछे जो भी फीस हमें दी हमने कबूल की, लेकिन जो इनामत हैं जिस टीम ने जितने परसेंट फीस कम दिए उतने परसेंट उनको सबके सामने हम उनका इनाम देंगे। थैंक यू सो मच। देखिए कारबाओं से उद्योगपति नयन मात्रे और टेंबोली से मयूर मीडी ने इस पूरे आयोजन नियोजन को लाख लाख शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ खासतौर से गणेश केनी साहब और साहिल केनी और तमाम टीमों को उन्होंने अच्छा खेलने पे शुभकामनाएं दी। धन्यवाद, आप दोनों का स्वागत। ये अनाउंसमेंट हम साहिल केनी की परमिशन से कहते हैं। मौसम है मस्ताना, कबीर निर्मल को भूल ना जाना, और भूल भी कोई कहां सकता है। सुमित कुमार एंड कंपनी ने इस वक्त आरके बिल्डर को शुभकामनाएं दी हैं, ऑल द बेस्ट कहा है। देखिए एक ऐसा टोटल बना लिया है टीम ढोंडा ओरोली ने, जहां पर अग्नि परीक्षा हो सकती है आरके बिल्डर टेमोली के बल्लेबाजों की। लेकिन इस मैच का जो क्लाइमेक्स है फाइनल का, कौन बनेगा विजेता, इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि मैच जब बड़ा होता है तो प्रतीक पाटिल का खेल भी बड़ा होता है। आप इतिहास उठा के देखिए, प्रतीक पाटिल फाइनल में कुछ अलग ही खेलते हैं। देखिए उमेश दलवी को 1000 रुपए का इनाम आया, उनके अपने ससुर दिलीप माली ने 1000 रुपए का इनाम दिया है उनकी अच्छी बल्लेबाजी के लिए। शुभम पाटिल और अतुल पाटिल गुंदोली ने आरके बिल्डर टेमोली को ऑल द बेस्ट कहा है, स्वागत है आपका। संकेत केनी को भी मैं 100 मार्क्स दूंगा, प्रेम माली को भी दूंगा कि वाकई में इन्होंने बहुत अच्छा साथ निभाया है। संकेत और हमारे साहिल केनी की जो दोस्ती है वो मैं जयेश तलके ने ढोंडा वडोली का ऑल द बेस्ट कहा है। ओपनर डगआउट से नमूदार होते हुए स्वागत है आप सभी का। महा मुकाबला आप देख रहे हैं, लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी सीजन 5 2024। चैलेंज ग्राउंड के बाद ये दूसरा ग्राउंड है जहां पर फिक्स फ्लड लाइट लगाई गई।
प्रतीक पाटिल और परेश गोराटकर। प्रतीक पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है, बड़े मैच के खिलाड़ी, लेकिन गेंदबाजी के लिए लगाया गया है मेरे ख्याल से प्रज्वल दलवी को। प्रज्वल दलवी सामना करेंगे प्रतीक पाटिल। आरके बिल्डर टेमोली को जीतने के लिए, फाइनल जीतने के लिए, कप उठाने के लिए 27 केजी का क्रिस्टल कप उठाने के लिए रन चाहिए 47। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में है कि क्रिस्टल कट ग्लास ट्रॉफी 27 किलो की। प्रज्वल दलवी, प्रतीक को आते ही ऑन ड्राइव किया, पीछे खिलाड़ी हैं, एक रन खाता खुला है प्रतीक का, एक रन बिना किसी विकेट के। आरके बिल्डर टेमोली, सुमित कुमार एंड कंपनी ने भी इस वक्त आरके बिल्डर टेमोली को ऑल द बेस्ट कहा है। प्रज्वल दलवी सामना करेंगे परेश गोराटकर। ये बहुत छुपा रुस्तम खिलाड़ी हैं, उछाल दिया है गगन चुंबी शॉट, 6 रन। तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से, प्रज्वल दलवी को भेज दिया है चंद्रयान की यात्रा पे, 6 रन। धन्यवाद भाऊ साहेब, तहसीलदार ऑफिस भिवंडी, भगवानजी भोईर, अमर स्पोर्ट्स कासण्याचे सर्वे सर्वा यांच्याकडून स्वर्गीय कबीर निर्मळ स्मृती चषक 2024 साठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। विशेषत्वाने आयोजक गणेश दादा केणी आणि त्यांचे सल्लागार बबलू शेट यांना ही स्पर्धा यशस्वी पार पाडल्याबद्दल त्यांचं हार्दिक अभिनंदनही केलं गेलेलं आहे। आपलं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत, धन्यवाद। कमाल का शॉट खेला है परेश गोराटकर ने, 7 पे पहुंचा स्कोर आरके बिल्डर टेम्बोली का। सिक्सर लगने के बाद प्रज्वल के पास 6 खिलाड़ी आए हैं कुछ कहने के लिए। आप देख रहे हैं महामुकाबला, खिताबी जंग, बैटल ऑफ चैंपियन। डोंडा वडोली के हजारों समर्थक हमारे भाइयों रहे हैं, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत, जिसमें बहुत ही फेमस संदीप भाऊ जी हैं। प्रज्वल दलवी सामना करेंगे परेश गोराटकर। स्विंग लेकिन बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई, पीछे खिलाड़ी हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पे पहुंचा है। आज हमारे बीच रायगढ़ की तोप है जिन्होंने जबरदस्त कमेंट्री की, हम नहीं भूल सकते हैं पब्लिक फिगर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर, महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत, साथ ही साथ कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा दुमाल जिन्होंने, योगेश मडवी ने भी बहुत अच्छी कमेंट्री की। बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, ये चाबुक है, गेंद मिड विकेट पर, 6 रन। कहा था ना मैंने कि प्रतीक पाटिल बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। हम केनी ने लीड किया कमेंट्री को, जहां मोहन भुईर और उमेश पाटिल और कई कमेंटेटर हैं जिन्होंने रंग भरा। 14 रन, बड़े मैच के खिलाड़ी प्रतीक पाटिल। ये खिलाड़ी बहुत खास है, इसीलिए तो टेम्बोली वालों को प्रतीक पाटिल की आस है। ये डगआउट देखिए, डगआउट को दिखाया जा रहा है, अभी भी आदित्य भोईर ताली बजा के उत्साह बढ़ा रहे हैं। प्रज्वल दलवी प्रतीक पाटिल के लिए, उड़ाया गेंद हवा में, फील्डर नीचे, प्रतीक पाटिल आउट, बड़ी विकेट।
कि पहला ओवर अभी खत्म नहीं हुआ और बहुत जबरदस्त चल रहा है। पहली गेंद पे एक रन, उसके बाद सिक्सर, एक रन सिक्सर और विकेट, पलटवार किया है प्रज्वल ने। प्रतीक पाटिल को चलता कर दिया, 14 रन एक विकेट के नुकसान पे। इस वक्त भूषण मात्रे जो कि आरके बिल्डर टेम्बोली के को ओनर हैं हमारे बीच है। प्रज्वल को कुछ समझाया जा रहा है, नए बैटर मैदान में, खतरों के खिलाड़ी टीम के कैप्टन अल्ताफ शेख ऊपर आए हैं बल्लेबाजी को। साफ नजर आ रहा है कि आरके बिल्डर टेम्बोली के तीखे तेवर हैं, क्योंकि अपने फ्रंट लाइन बल्लेबाजों को ऊपर भेज रहे हैं। हालांकि ये जो स्कोर बनाया है ये इतना आसान भी नहीं है इस समय, लेकिन एक बात तो है कि दोनों टीमें लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी को कामयाब कर रही है, रंग भर रही है। अल्ताफ शेख सामना कर रहे हैं प्रज्वल का, प्रज्वल दलवी। अल्ताफ शेख को रूम बनाया, गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, एक रन पूरा। एक ओवर की समाप्ति, बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे। हालांकि प्रतीक पाटिल आउट हुए हैं, 15 रन बने और बचे हुए 3 ओवर में कितने चाहिए। तीसरे अंपायर को बीमर के लिए पूछा है, यस बल्लेबाजों ने या अंपायर ने? बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है, अभी समाप्त नहीं हुआ है खेल एक ओवर का, क्योंकि रिव्यू लिया गया है। फेयर डिलीवरी, एक ओवर की समाप्ति, रन बने 15, बचे हुए 3 ओवर में 32 चाहिए। 9 विकेट हाथ में टेम्बोली के, लेकिन मैच फाइनल कैसा हो उसी तरह का फाइनल। पिछले साल एमएस धाई ने इस कप को जीता था, रनर्स रही थी 44 फुट कामतगर। और कामतगर की बात चले तो सबसे विशेष धन्यवाद मैं करूँगा नियार मात्रे का, नियार रविंद्र मात्रे का, जिन्होंने V8 अपनी शॉप से 3 बल्ले हमको स्पॉन्सर किए। थैंक यू सो मच नियार मात्रे। देखिए एलईडी के पीछे किसी ने आग जलाई है वो बुझा दें, अथवा एलईडी में आग लग जाएंगी। आग क्यों जला रहे हो, ग्राउंड में आग लगी हुई है। गेंदबाजी में आवेश भुईर को बुलाया गया है, सामना करेंगे अल्ताफ शेख। इस मरतबा खेला इस गेंद को आउटफील्ड में, एक रन, बढ़िया फील्डिंग लॉन्ग ऑन पे, एक रन से नो दिया है वहां पर अंपायर ने, और तुरंत ही फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है। यस अजीम अब्दुल्ले फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है, यस। बैटिंग साइड का मेरे ख्याल से जो रिव्यू था वो खत्म हुआ है। देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। नो बॉल है, अब दोनों टीमों का रिव्यू खत्म हो गया है। फ्री हिट आता हुआ, कुल मिला के कितने रन है? 17। देखिए परेश घोराटकर को ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। फ्री हिट है, अवेश भुईर सामने की ओर से आते हुए सामना करेंगे परेश घोराटकर। फ्री हिट है, स्विंग एंड मिस, लेकिन रन आता हुआ गेंद फ्लाई स्लिप में लेग बाय, एक रन से स्कोर
आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 18 रन। धीरे धीरे ये मैच फंसता जा रहा है। डगआउट को दिखाया जा रहा है। अवेश भुईर ये पल्लू खेला है, सुपला और अल्ताफ शेक आउट। मुनीस पाटिल ये ट्रम्प कार्ड है टिम्बोली के और ये ट्रम्प कार्ड बहुत चला है। तीन गेंदों में विजेंद्र पाटिल को जो 14 लिए थे वहीं काम कर गए। बिंदास माली हमारे बीच बिल्कुल बिंदास अंदाज में। नए बैटर मुनीस पाटिल आए हैं। कमाल का उनका शरीर है। नयन जी म्हात्रे साहेब खारबाव आणि मयूर जी मेंडी टेंभवली यांचं आगमन या मुख्य व्यासपीठावर झालेलं आहे। साहिल जीचे अत्यंत जवळचे निकटवर्ते मित्र आहेत। तुमचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत, धन्यवाद। ये देखिए दर्शक, दर्शक ही दर्शक। एक बज रहा है मध्य रात्रि का, लेकिन किसको फिकर है कि ठंडी है या टाइम क्या है, क्योंकि फाइनल चल रहा है गणेश केनी के शो का। इस ओवर में कितनी गेंदे बची है? तीन। चेक। साहिल जी अत्यंत जवळचे मित्र सैंडी भाई यांचे भाऊजी जयजी थाळके यांच्या वतीने धोंडा वडवली संघासाठी बरोबर स्पर्धेसाठी शुभेच्छा, धन्यवाद। मोनीस पाटिल उमेद दलवी लगातार फील्ड रचा रहे, शायद अंपायर ने कुछ बात की वहां पर। चार गेंदे बची है। अवेश भुईर सामने की ओर से आते हुए मुनीस पाटिल के लिए। यह भिंगड़ी है, यह भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट बैकआउट स्क्वायर लेग पर स्विंग किया मुनीस पाटिल ने। जहां से खत्म किया था पिछला इनिंग वहीं से शुरू करते हुए ये हैं टेंभवली के ट्रम्प कार्ड मुनीस। किया था ऑन साइड में भिंगड़ी शॉट था, बैकआउट ऑफ द स्क्वायर चला गया। 6 रन। कमाल के खिलाड़ी हैं ये। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 24, लेकिन अभी भी 23 रन चाहिए और गेंदे बची है 15। क्या आरके बिल्डर टेंभवली विजय, क्या ढोंडा वडोली का पलटवार, लेकिन आरके बिल्डर टेंभवली ने जो पैंतरा बदला है, जो शतरंज की बाजी का मोहरा भेजा है, वो बहुत ही खतरनाक है। मुनीस पाटिल इस मरतबा बहुत खूबसूरती के साथ चॉप किया है, बल्ले के फेस को खोलकर दूसरे के लिए जा रहे हैं और अंपायर दो रन पूरे हुए हैं। यस, रन के लिए हिरन बन गए मुनीस पाटिल। मुनीस पाटिल की बॉडी देखिए कितनी फिट है, विराट कोहली की तरह फ्लेक्सिबल और दौड़ते बहुत तेज हैं। ये बहुत कम खिलाड़ी रहते हैं जिनको आप पाइप में से भी निकाल दो तो निकल जाए।
दोन रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। अब बता रहे कि 21 रन और चाहिए और 14 गेंदे बची है। टिम्बोली वालों ने बहुत सही शतरंज की चाल चली है, मोनिस पाटिल को ऊपर भेजा है। रिवर्स ये भी निकल गई है 4 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, मूड बना दिया है मोनिस पाटिल ने। के ओनर सुधीर सेठ मात्रे साहब यूट्यूब पे इस मैच को देखकर काफी खुश हो रहे होंगे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब बाजी पलट जाए पता नहीं लगता। क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। 30 रन हुए यहाँ से, 17 रन और चाहिए और गेंदे बची है 13, लेकिन मैच थोड़ी खत्म हुआ है। 13-17 का इक्वेशन हमेशा डेंजर रहा है इस समय। लेकिन मोनिस पाटिल, अगर कप को जीतना है तो ढूंढा वड़ोली वालों को इसको वापस करना होगा, और कप को जीतना आरके बिल्डर को, अगले ओवर तक मोनिस टिके तो काम तमाम कर देंगे। अवेश भोईर फिर से, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द फाइनल, 6 रन। इससे बढ़कर शॉट हो नहीं सकता है, इससे बढ़कर शॉट हो नहीं सकता है। मोनिस पाटिल हर जगह उनकी आवाज। ठीक है, जोश तो रहता है। दौड़ की समाप्ति, रन कितने बने, 36, 12 में 11 चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि रोज एक ही आवाज से आप फाइनल ना खत्म करें। सिद्दीक बाबे आपका है, आपका प्रेम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि रायगढ़ की तोप यहां पे चले और फाइनल का, फाइनल को खत्म करे। शुक्रिया सर जी। चले गए दोस्तों मैदान के ऊपर, काफी तूफान मच चुका है। पर 12 गेंदों और 11, यानी कि दूरी है केवल 12 गेंदों की और 11 रनों की दूरी इस ट्रॉफी को उठाने के लिए। मजा आएगा खेल का। 12 गेंदे और 11 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ, पर 7 टीमों का इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर शरीक होना और वहां से 58 टीमों को शिकस्त देना और यहां पर उस पायदान तक पहुंचने, इस सफर तक तय करना यानी कि आसान नहीं है। ये मुकाबला झंझर कर रख देगा, लेकिन क्या बल्लेबाजी हुई मैदान के ऊपर। अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। आने वाला ओवर पर्दाफाश करने वाला होगा। यदि इस ओवर में 3 या 4 बनेंगे तो मुकाबला बैलेंस रहेगा। यदि एक छक्का चौका आएगा तो मुकाबला खुला किया जाएगा। खुले आसमान के नीचे सिकुड़ती ठंड में रात के 1 बज चुके हैं, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में और इस मैदान पर मानो आग लग चुकी है। इस बल्लेबाज ने कभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया जा सकता है, इतनी आग लगी मैदान के ऊपर। माहौल काफी शानदार है, मुकाबला काफी शानदार है और आखिरी चरण में आई है यहां पर स्वर्गवासी कबीर निर्मल ट्रॉफी का यह धमाका। कौन सी टीम यहां पर जीत पाएगी, या फिर मैदान के ऊपर टिम्बिवली या फिर ढोंडा वडोली। 12 गेंदे 11 की आवश्यकता। नर की पहचान यहां पर गेंदबाज में तब्दीली और गेंदबाज आते हुए प्रत्यमेश आते हुए देखना, प्रत्यमेश के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी दी है। 12 गेंदे 11 की आवश्यकता, दिल को दहलाने वाला मुकाबला। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद थी बल्लेबाज और ये अंपायर हमारे मुड़ते हुए, यानी कि 12 गेंदे अब बनाने होंगे 10 रन। क्या बल्लेबाजी हुई बीच मैदान के ऊपर। ये वही टीम है जिस टीम ने इस मैदान के ऊपर 85 रन बनाए थे टेम्बली टीम ने, और वही टेम्बली टीम इस मैदान के ऊपर 47 का पीछा कर रही है। 12 गेंदे 10 की आवश्यकता, अभी भी दम दिया जा सकता है मैदान के अंदर। इस बीच ये गेंद
बढ़िया गेंद, पटकी भी गेंद थी, बल्ले को बल्ले के साथ दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। गेंद यहां पर बिल्कुल सही दिशा में फेंकी भी गेंद थी, अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। जिस बल्लेबाज ने तहलका मचा है वो बल्लेबाज अब स्ट्राइक बनाएंगे, वो है मोनिश पाटिल। मोनिश ने क्या छक्के चौके लगाए बीच मैदान के ऊपर, अब ये माहौल काफी गर्म हो चुका है। 11 गेंदे 9 रन, क्या यहां से टेम्बली टीम वापसी कर पाएगी या फिर डोंडा वडोली टीम इस मैदान के बाद जीत का जश्न मना पाएगी? जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो दूसरे पायदान पर, देखना मजा आएगा। बच्ची भी गेंदे 11 और 9 रन की आवश्यकता। साहिल केनी और अमर जिंगा दादा, इनका सफल आयोजन 8 दिन का क्रिकेट का मेला आखिरी चरणों में आ चुका है और इस आखिरी चरणों में यहाँ पर बहुत ही शानदार ये मेला लगा रहा क्रिकेट का। सभी का शुक्रिया अदा करेंगे हमारे दर्शक जिन्होंने हमें काफी प्यार दिया, उस प्यार को सराखों पर रखते और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 11 गेंदे 9 रन की आवश्यकता, मुकाबला अभी भी ऑन है, क्योंकि मुकाबला अभी भी ऑन है मैदान के ऊपर। सिकुड़ती ठंड, शबनम गिर रही है, ठंड का काफी माहौल है मैदान पर। आपकी बार स्लॉग टिप करना चाहते हैं, बॉलर बैक ड्राफ, लेकिन इस बार चूके। और ये देखिए यहां से गेंद वहां पर फेंकी जा रही है, एक तो रनों का काल उसमें 13वां महीना, एक तो रनों का काल उसमें 13वां महीना मैं कहूंगा, क्योंकि रन ये गेंद डॉट थी, उस गेंद के ऊपर 2 रन आए, यानी कि अब समीकरण बनेगा 10 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी ऑन है, कुछ भी बन सकता है मैदान के ऊपर। यदि आने वाले 3 गेंदों के ऊपर बची हुई इस ओवर की गेंदे बची है अभी भी 4, यदि 4 गेंदों में 1 या 2 रन आएंगे, 5 रन भी रहेंगे अंतिम ओवर में, तो भी मुकाबले में आग लग सकती है, मजा आएगा खेल का। ए बाबू आवाज कमी कर, बाबू जीत के लिए 10 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। अभी भी दमखम है मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला खुले आसमान के नीचे, खुला मुकाबला बीच मैदान पर। आपकी बार, खड़े खड़े और ये गेंद सीमा पर 6 रन, अब कुछ नहीं बचा मुकाबले में, अब मुकाबला इक्वल हो चुका है। 9 गेंदे और 1 रन की आवश्यकता, 9 गेंदे और 1 रन की आवश्यकता। अंपायर से अनुरोध है कि मुकाबला समाप्त होने के बाद स्टंप्स और बेल्ट आपके हाथ में लेने हैं। आरके बिल्डर्स टेम्बली टीम जीत की कगार पर है, केवल 1 रन दूरी है। यदि यह थ्रो नहीं होता तो इस बल्लेबाज को स्ट्राइक नहीं मिलती और यह छक्का नहीं आता, यानी बहुत कुछ होगा मैदान के ऊपर। स्कोर इज इक्वल, 9 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। मुकाबला अंतिम चरणों में, जस्ट 1 रन अवे फ्रॉम द विक्ट्री, देखना क्या कुछ होगा। हवा में गेंद, खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, क्या ये कैच है? बिल्कुल नहीं। और यहां से टेम्बली टीम चैंपियन इज चैंपियन, आरके बिल्डर्स टेम्बली चैंपियन बन चुके हैं।